जगमगाते हैं, चिल्लाते हैं अपने रास्ते। और ये देखिए सुबह की मॉर्निंग, रोशनी रहे अपने रास्ते। Our ship is now being departed from Cape Town. Berthing services वाले भी आ चुके हैं अनबर्थ करने के लिए ship को. And ये जो आप देख रहे हैं ये अनबर्थ हो जाएगा, जिससे हमारा ship आगे move कर सकता है. कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है. तो वो हमारी tugboat जो है वो आ रही है. Much, much, much later. तो हमारी टगबोट आ चुकी है हमारी शिप को मूव करने के लिए. सो एक टगबोट पीछे से खींचेगी, दूसरी जो टगबोट है वो आगे से खींचेगी, वो जो उस तरफ से आ रही है. उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए. हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से अंटार्कटिका में, और मैं शिप के थ्रू केप टाउन से अंटार्कटिका के लिए निकला था. और अभी मैं अटलांटिक ओशन में हूँ कि अर्थ का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और यह अर्थ का लगभग 20% सरफेस एरिया कवर करता है. और लगभग 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमने वो क्रॉस कर लिया है. और उसके बाद हम पहुंचेंगे सदर्न ओशन में, जिसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं. और फिर हम पहुंचेंगे अंटार्कटिका में. लगभग हम 15 डेज लगेंगे हमें पहुंचने के लिए वहां पर. शिप के अंदर 6 तरह के मोशंस होते हैं जब शिप मूव करता है. तो पहला है पिचिंग. पिचिंग एक ट्रांसवर्स रोटेशन है, यानी कि वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. और दूसरा है रोलिंग, जो कि लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. ऐसे ये रोलिंग है. तो तीसरा है योइंग, जो कि एक वर्टिकल रोटेशन होती है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है. और बाकी के जो 3 मोशंस होते हैं वो लीनियर मूवमेंट्स होते हैं. एक होती है हीव, जो कि एक वर्टिकल मूवमेंट्स होती है अप एंड डाउन. और दूसरी होती है स्वे, जो कि स्लाइडिंग मूवमेंट होती है लेफ्ट एंड राइट. और नेक्स्ट जो है वो होती है सर्ज, जो कि फ्रंट टू बैक ऐसे मूवमेंट होती है. और पानी के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसको हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, जो कि 1.85 किलोमीटर के इक्वल होता है. और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल होता है 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड के. लैटिट्यूड मतलब यानी कि अक्षांश रेखाएं, जैसे अर्थ की जो लैटिट्यूड लाइंस होती है यानी 179 है. सो लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, और डिग्रीज को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में. सो 1 मिनट जो लैटिट्यूड है वो होता है इक्वल 1 नॉटिकल माइल्स के. अर्थ के इक्वेटर पर लैटिट्यूड 0 रहता है, और नीचे साउथ पोल तक वो 90 तक जाता है, 90 डिग्री साउथ. और ऐसे इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल तक लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है. और स्पीड को नॉटिकल माइल्स पर आर में मेजर किया जाता है, जिसको नॉट भी कहते हैं शॉर्ट में. और नॉट को यूज किया जाता है मेट्रोलॉजी में, मैरीटाइम में, और एयर नेविगेशन में हम नॉट को यूज करते हैं एज अ यूनिट फॉर स्पीड. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले.
है हमें, उधर भी है एक आइसबर्ग छोटा, बहुत दूर है वो। A few moments later. So, अभी मैं आ चुका हूँ सदर्न ओशन में, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, क्योंकि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्टार्ट हो जाता है और ये अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है और यह है सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन में से एक है। और अभी बाहर का टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो चुका है, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो 60 डिग्री क्रॉस करने के बाद लहरें जो है लगभग 8 मीटर तक हो जाती है और टेम्परेचर में भी काफी वेरिएशन आते हैं। बर्फ के टुकड़े आ गया अंटार्कटिका, बर्फ भी साथ में आया। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं अंटार्कटिका में और हमारे चारों तरफ आइस ही आइस है। टेम्परेचर जो है माइनस में चले गया है यहाँ पर और 40 नॉटिकल माइल्स की हवा चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे दूर दूर तक वहाँ पर मेरी सी आइस भी दिखना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आइस जो है वो आइस पैक बनना शुरू हो गया है और आगे जा करके हमारा शिप जो है आइस को तोड़ के ही अंटार्कटिका पहुंचेगा। और आप देखिए हमें अभी जस्ट अभी शॉर्ट हुई है। वाह